वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिक्की में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। तो इस राखी के लिए मैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये हमारी मिठाई है। आप देख सकते हैं ये मार्केट जैसी हमारी लुक है, कोई कह नहीं सकता कि आपने घर में मिनटों में बनाया है और बहुत ही चुटकियों में ये बन जाती है और देखने में इसका लुक काफी खूबसूरत है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो चलिए इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन ले लेती हूँ और पैन के ऊपर मैं दूध डालूंगी। ये एक कटोरी हमारा दूध है, इसे डाल देते हैं। अब जिस कटोरी से हमने दूध लिया है उसी कटोरी से हम चीनी लेंगे, ये आधी कटोरी चीनी है, तो डाल देंगे इसे और इसे मेल्ट होने देते हैं। तो ये देखिए चीनी को हम मेल्ट होने देते हैं अच्छे से। चीनी मेल्ट होने के बाद अब इसमें हम डालेंगे एक देसी घी हमारा, वो भी एक चम्मच। घी डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे ये नारियल का बुरादा है। अब हम इसे अच्छे से भूनने देते हैं। ये हमारा जब अच्छे से पक जाएगा तो अब इसमें मैं डालूंगी मिल्क पाउडर, लेकिन अभी नहीं डालना है, थोड़ा सा इसे पक जाने देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से पक चुका है। तो अब इसमें मैं बताई थी कि मिल्क पाउडर डालेंगे, ये देखिए आधी कटोरी से भी कम है ये हमारा मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप घर पे मावा बना के भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि इसमें हमारा गुठलियां ना आए। ये देखिए इसे हम अच्छे से इस तरह बना लेंगे। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इलायची का एसेंस है हमारे पास, आपके पास जो भी है आप डाल सकते हैं। मेरे पास इलायची का था, केवरा भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये इलायची का हमारा एसेंस है। और हाँ, आपको अगर आपके पास कोई एसेंस नहीं है तो आपके पास अगर इलायची है तो आप इलायची कूटकर भी डाल सकते हैं। अगर इलायची भी नहीं है तो अगर आपके पास गुलाब का जल है तो वो भी डालने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए हमारा डो एकदम अच्छे से बन चुका है, ये हमारा पैन छोड़ चुका है, आप देख सकते हैं ये अच्छी से हमारी हो चुकी है। तो गैस के फ्लेम को यहाँ पर हम कर देंगे बंद, अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एकदम ठंडा हो चुका है। तो अब इसे मैं दो भागों में डिवाइड कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक भाग हम व्हाइट ही रखेंगे और एक भाग में हम कलर डालेंगे। तो मेरे पास येलो कलर है, तो आपके पास जो भी कलर है आप वो डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर डालने के बाद इसे हम अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे, आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं और इस तरह भी आप इसे अच्छे से हमें कलर को मिला लेना है। अब हम एक थाली लेंगे और इस तरह इसे हम लंबा लंबा इस तरह बना लेंगे। ये देखिए इस तरह हमें लंबा बना लेना है। और इसी तरह पहले मैं येलो वाला बना लेती हूँ, फिर व्हाइट वाला भी इसी तरह बनाना है। ये देखिए येलो वाला हमने बना लिया, अब व्हाइट वाले को भी इसी तरह बना लेना है, उसी के साइज में इस तरह लेंगे और इस तरह इसे भी इस तरह लंबा लंबा हम बना लेंगे। इस राखी पर आप इसे बनाएंगे बहुत ही अच्छा लुक आता है और बहुत ही प्यारा लगता है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो इस राखी में आप इसे बनाएं और बहुत ही अच्छा लगेगा, और कमेंट्स करके भी हमें बताएं कि कैसा लगा आपको। इसी तरह सारा हम बना लेते हैं। तो ये देखिए दोनों में से हमें बराबर बनाना है, ये पीला और व्हाइट दोनों हमें, अगर आपके पास एट है तो एट ही पीला भी बनाना और एट व्हाइट ही बनाना है। अब हमें कुछ करना नहीं है, इसे लेंगे एक और इस तरह से लेंगे और इसे थोड़ा सा इस तरह ज्वाइंट कर देंगे, अच्छे से शेप दे देंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह, और इसे अच्छे से सेट कर लेना है। और ये देखिए इस तरह। अब बीच में मैंने थोड़ा सा पिस्ते को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है और इस तरह हमें इसे डेकोरेट कर देना है, देखने में काफी अच्छा लगता है। अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो आप चाहे तो नारियल का बुरादा में थोड़ा सा कलर दे दें तो इससे भी अच्छा लगता है। इसी तरह हम सारा बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी मिठाई बनके एकदम तैयार है और ये एकदम मार्केट लुक जैसी लग रही है, मार्केट में जो मिठाई मिलती है उसकी जैसी लग रही है और बहुत ही झटपट बनने वाली है क्योंकि ये बहुत ही आसान है और देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। तो इस राखी पे आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और कोई कहेगा नहीं कि आपने घर पे बनाया है।
तो अगर मेरी ये वीडियो अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा इसी तरह आसान सी वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आती रहूंगी। तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।